तो लास्ट टाइम हमने ओमेगा का फॉर्मूला किया था 2π/T, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो ओमेगा के यूनिट्स हैं, क्योंकि ओमेगा को ऐसे डिफाइन किया जाता है d θ/dt, तो अगर एंगल d θ 2π है तो टोटल समय कितना लगेगा बॉडी को पूरा घूमने में, कैपिटल टी। तो ओमेगा के जो यूनिट्स थे वो क्या किए थे, रेडियंस पर सेकेंड, ठीक हो गया। एंड उसी तरीके से जो फ्रीक्वेंसी है एफ, दैट वॉज 1/T, तो ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा था 2π × फ्रीक्वेंसी, वो डाउट इसमें। और फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट्स थे वो सिखाए थे RPS, रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। बहुत लोग गलती करते हैं, वो इसको लिखते हैं रेडियंस पर सेकेंड। ये रेडियंस पर सेकेंड नहीं है, ये रेवोल्यूशंस पर सेकेंड है, और रेवोल्यूशंस पर सेकेंड का मतलब हमेशा फ्रीक्वेंसी ही होगी, बस। क्लियर है यहाँ तक? जैसे आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप को समझना, कि अगर मान लो एक फैन है, क्योंकि अब मैं गाड़ी नहीं बोल सकता, अब कार थोड़ी ना चलेगी, कार तो लीनियर मोशन है, अब तो पंखा चलेगा। तो एक फैन रोटेट कर रहा है विद 2 रेडियंस पर सेकेंड, और फैन की फाइनल स्पीड हो गई 4 रेडियंस पर सेकेंड, और कितनी देर में, टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो अल्फा बताओ इस क्वेश्चन में क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में इसको ओमेगा 1 मान लेते हैं। ओमेगा क्यों? क्योंकि इसके यूनिट्स क्या हैं, रेडियंस पर सेकेंड। इसको ओमेगा 2 मान लेते हैं, इसके यूनिट्स भी क्या हैं, रेडियंस पर सेकेंड। और फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 + αt, दैट इज 4 = 2 + α × 2। तो यहाँ से 2 = α × 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 रेडियंस पर सेकेंड का स्क्वायर इज द आंसर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको रेडियंस पर सेकेंड गिवन है ओमेगा, तो आप इसमें इसको ओमेगा मान लेंगे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो यूज की जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहां पर गलती भी हो जाती है, मैं ये भी बता दूं आपको। आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि फॉर एग्जाम्पल एक फैन रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वो बोलेगा एंगुलर वेलोसिटी, तो आपके मन में क्या सिंबल आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन वो कहेगा एंगुलर वेलोसिटी 2 RPS से फाइनल, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4 RPS, और कितनी देर में, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड में। अब वो कहेगा अल्फा निकाल लो, इसका क्या होगा। अब यहां ना कंफ्यूजन है, क्योंकि जब पहली बार स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करेगा, वो अपनी कॉपी चेक करेगा, वो देखेगा कि यहां पर क्या लिखा हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, तो मन में सिंबल क्या मानेगा, ओमेगा, बिल्कुल मानना चाहिए ओमेगा। लेकिन यहां उसकी कंफ्यूजन हो जाएगी, वो कहेगा यार आरपीएस कैसे हो गया, ये तो रेडियंस पर सेकेंड चाहिए था, और मेरे को क्या गिवन है, आरपीएस। अब यहां कंफ्यूजन है, वो ये सोचेगा कि शायद आरपीएस का जो फुल फॉर्म है वो रेडियंस पर सेकेंड है। तो मैं काम करता हूं, मैं न्यूमेरिकल कर देता हूं, बिल्कुल भी मन में नहीं लेके आना, आरपीएस कभी भी रेडियंस पर सेकेंड नहीं होते, आरपीएस हमेशा रेवोल्यूशन पर सेकेंड होते हैं। तो ये जो टर्म है आपको पता है क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी। लेकिन फिर आप उल्टा क्वेश्चन पूछेंगे, यूनिट्स तो बता रहे हैं फ्रीक्वेंसी, पर गिवन क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। यहां कंफ्यूजन हो, कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। ये नाम जो मर्जी लिखे, बस आपने तो यूनिट्स चेक करने हैं, क्योंकि इस नाम में वो कंफ्यूजन क्रिएट करता रहेगा। कभी वो इसको फ्रीक्वेंसी भी बोल देगा, कभी एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देगा, कभी एंगुलर वेलोसिटी भी बोल देगा। लेकिन अगर आरपीएस है तो आपने उसको फ्रीक्वेंसी ही लेना है, बात खत्म। और अगर रेडियंस पर सेकेंड है तो आपने ओमेगा ही लेना है, बात ही खत्म। तो ये जो मर्जी लिखे यूनिट से चेक करना है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका मतलब हम इसे क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी F1 लेंगे, और इसे भी फ्रीक्वेंसी क्या लेंगे, F2 लेंगे। अब एंगुलर वेलोसिटी फिर क्यों लिखता है ना, ये भी तो लॉजिक होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट करता है कि अगर वो आपको आरपीएस में फ्रीक्वेंसी दे रहे, आप ओमेगा खुद निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या होगी, 2π × F1, तो ओमेगा 1 की वैल्यू होगी 2π × 2, यानी कि 4π radians per second। और ऐसी ओमेगा 2 = 2π × F2, ओमेगा 2 = 2π F2 की जगह 4, तो ओमेगा 2 की वैल्यू क्या आएगी, 8π radians per second।
हाँ, अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओमेगा 2 इज ओमेगा 1 प्लस एल्फा टी, तो 8 पाई इज इक्वल टू 4 पाई प्लस एल्फा इंटू टाइम कितना 2. यहाँ से सॉल्व करके एल्फा निकाल लेना आंसर. क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है? बहुत लोग ये कन्वर्जन नहीं करेंगे और उनका बिल्कुल एक भी न्यूमेरिकल ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसको ओमेगा ट्रीट करके वो कैलकुलेट करेंगे जबकि बिल्कुल भी ओमेगा नहीं है, ये फ्रीक्वेंसी है. क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? कॉमन मिस्टेक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हो जाती है, और ना बताई जाए फिर तो 101% कन्फ्यूजन रहेगी रहेगी. और लोग इसके डाउट लेके भी आते हैं कि सर ये क्या गिवन है, एंगुलर, मैंने क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी गिवन था और मैंने इसको ओमेगा ले लिया तो आंसर नहीं आया. और ये भी याद रहे, जिन क्वेश्चंस में, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है, अब फैन इज रोटेटिंग विथ फ्रिक्वेंसी 2 revolutions पर मिनट, वो ऐसे भी देगा पर सेकेंड की जगह पर मिनट. कभी भी फ्रिक्वेंसी पर मिनट नहीं यूज करते, फ्रिक्वेंसी हमेशा पर सेकेंड करते हैं. तो आपने क्या करना होगा, इसे 2 divided by 60 RPS करना होगा. अब ये रेवोल्यूशन पर सेकेंड है, अब न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा. तो पहले आप RPS निकालेंगे, फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, 2π into फ्रिक्वेंसी से 2π into 2 divided by 60 को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस पर, अब आपका न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा. ये रूल है. तो इस चैप्टर का बेसिक क्लियर है पहला रूल कि क्या करना है इसमें.